नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है सोमन पॉल और आप लोग देख रहे हैं पेट सिंपल नाम का आपका हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज जो बात है आप लोगों से शेयर करनी है वो है कि मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, आपके वार्ड्स बीट नहीं कर रहे, आप ठीक तरह से दाना पानी भी फिर भी वो बीट नहीं कर रहे हैं, तो आप शायद कुछ मेडिसिन भी आना चाहते हैं। तो आपको कौन सा मेडिसिन एकदम घर का बनाया हुआ मेडिसिन, ठीक है, दवाई ऐसा कुछ दे सकते हैं वो आपके वार्ड बीट करे, तो इसके ऊपर है। ठीक है, बट बीट नहीं कर रहे बहुत से कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सारे कारण देखना पड़ेगा। ठीक है, देखने के बाद ही आप मेडिसिन पे आ सकते हैं। बट्स मेल फीमेल है कि देखना पड़ेगा, बट्स की उम्र है कि नहीं बीट करने के देखना पड़ेगा, बट को आपके बट की चर्बी चर्बी पर भी लग गए है कि नहीं इसको भी देखना पड़ेगा। आपके पास आपका जो केज होता है वो केज का साइज भी देखना पड़ता है, और आपके केज के आसपास बहुत सारे लोग कार के साउंड बच्चे आ जा रहे हैं, बट को आपके बट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि नहीं ये भी देखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे कारण मसले देखना पड़ता है, तो तब ये तब आपके बट्स सिक्योर हो जाते हैं और ब्रीड करते हैं, और दाना पानी का ठीक तरह से ख्याल रखना पड़ता है तभी ये ब्रीड करते हैं। तो अगर आपने ये सब कुछ दिया है तभी ये ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो अब उस बट को सेल कर देंगे तो यही बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि सेल नहीं करें इससे भी ब्रीड लें, तो जो देसी जो दवाई का कुछ होता है, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो है कि आप इसको सॉफ्ट फूड दीजिए। खाना जो खाना पानी होता है उसके बारे में ही मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ऐसा कोई डॉक्टर या दवाई की दुकान से मिलता है ऐसा तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। आप इसका जो है कि सॉफ्ट फूड डेली बेसिस पे कीजिए, वीक में 2 बार या 3 बार सॉफ्ट फूड दीजिए इसे। सॉफ्ट फूड मिक्स्ड करके दीजिए, सब कुछ मिक्स्ड करके, वेजिटेबल पेड़ पत्ते के जो सब कुछ मिक्स करके दीजिए, और बाजरा और कंगनी इसको मिक्स्ड करके दीजिए। सिर्फ कंगनी या सिर्फ बाजरा मत दीजिए, बाजरा और कंगनी मिक्स्ड करके दीजिए डेली बेसिस पे, डेली दीजिए। और मिक्सीड जो होता है, मैंने मिक्सीड की वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो उसमें कुछ और भी कुछ सीड ऐड कर सकते हैं, वो मिक्सीड आप इसको वीक में 1 बार दीजिए। ठीक है, तो ये इसकी जो खुराक है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, ऐसा 1 महीना कीजिए। और जो समुद्री छाग होता है, ठीक है, समुद्र में जो मिलता है कटल बोन फिश, ठीक है, कटल फोन बोन फिश जो होता है आप उसे भी दीजिए। ठीक है, उसे भी हर टाइम केज के अंदर रख दीजिए, कटल बोन फिश, वो भी बहुत बेहतर होता है बट के ब्रीड के लिए। बट के जो कैल्शियम होता है वो पूरा करता है, और जो अंडा होता है, ठीक है, उबला हुआ अंडा, उस अंडे के छिलके के साथ जो उबला हुआ अंडा होता है अंदर का, सब कुछ एकदम मिक्स कीजिए। 2 अंडा लीजिए, सब कुछ मिक्स कीजिए, और ब्रेड जो होता है जो मक्खन के साथ हम लोग खाते हैं वो ब्रेड के साथ मिक्स करके इसे वीक में 1 बार दीजिए। ये भी बहुत बढ़िया होता है, इसके जो शरीर की जो हीट होती है ये बहुत हीटिंग हो जाते हैं, आपके बर्ड्स बहुत ही हीट पे आ जाते हैं, तब ये ब्रीड करने की कोशिश करते हैं, चांसेस होता है मेटिंग करने की। ठीक है, और हो गया कि आप कोशिश कीजिएगा कि इसे कुछ कुछ तीखा चीज़ देने के लिए, ठीक है, ठीक है, जो नमकीन होता है, सॉरी तीखा नहीं, नमकीन, तीखा या नमकीन दोनों भी दे सकते हैं, नमकीन, ठीक है, नमकीन टाइप कुछ चीज़ दे सकते हैं। बहुत सारे कारण ऐसे भी होते हैं, आपके बर्ड्स ठीक है सब कुछ सही दिया, लेकिन आपके बर्ड्स के पेट में, ठीक है, कुछ क्रीमी टाइप हो गया है। ठीक है, आपके बच्चे के पेट में कुछ पॉइजन या फिर कुछ कीटाणु वगैरह चूहे वगैरह हो चुका है, तो आप जब कुछ नमकीन खाना देंगे इसे तो वो कि पेट के अंदर ही वो मर जाएगा, ऐसा भी होता है, इसलिए भी बीट नहीं कर रहा है। ठीक है, बट को बीट जो बट के जो बीट करवाने के पहले ऐसा कुछ देना पड़ता है, ठीक है, कुछ नमकीन चीज़ वगैरह, ठीक है, आप वो भी दे सकते हैं। और देखिएगा कि आपने केज जहाँ पे रखा है वहाँ पर कोई छिपकली वगैरह आ जा तो नहीं रहे, ठीक है, छिपकली से ये बहुत डरते हैं, ये ब्रीड नहीं करते। देखिएगा कि कुछ छिपकली वगैरह केज के आसपास या फिर आपके घर में या दीवार पे आ जा तो नहीं रहे, उस छिपकली को हटाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और चूहे वगैरह आ जा तो नहीं रहे, सब देखिए, चूहे वगैरह अगर आ जा रहे हैं, ठीक है, रात को आपके केज के अंदर या बाहर, तो उसे भी देखिए, बिल्ली वगैरह को भी देखिए। आपके बर्ड्स डर किस बात से रहे हैं, ठीक है, डर किस बात से रहे हैं इसे भी देखिए। आपके बर्ड्स अगर खुद आपसे खुद तो नहीं डरते,
मतलब आप अगर हर टाइम आपके बर्ड्स को देखते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा तो नहीं तभी ये ब्रीड नहीं करते हैं, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये ब्रीड करेंगे। और एक दवाई होता है, ठीक है, जिसको नॉरफॉक्स 2जेड बोलते हैं, नॉरफॉक्स 2जेड, ध्यान से सुनिए, नॉरफॉक्स 2जेड। और एक दवाई होता है नॉरमेट्रोजिन, और एक दवाई होता है नॉरमेट्रोजिन। तो ये जो नॉरफॉक्स 2जेड है और नॉरमेट्रोजिन है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ, नॉरफॉक्स 2जेड और नॉरमेट्रोजिन। शायद ये आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट पे और बहुत सारे पेजेस पे और दुकानें में शायद ये आपको मिल जाए, नॉरफॉक्स 2जेड और नॉरमेट्रोजिन। और जो एक दवाई होता है टेरामाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन 250 पावर का एक मिलता है और एक 500 पावर का मिलता है, तो आप 250 पावर का ही लीजिए, नॉरफॉक्स 2जेड और नॉरमेट्रोजिन और टेरामाइसिन, इस तीनों को मिक्स कीजिए अच्छी तरह से। मिक्स करके आप इसको पानी में मिला के इसको वीक में एक बार दीजिए, ठीक है, आपके बर्ड्स के लिए बहुत हेल्थ के लिए बढ़िया रहेगा, और आपके बर्ड्स में जो बीमारी वगैरह शायद अंदर कुछ भी है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तीनों को मिक्स करके दीजिए तो आपके बर्ड्स को आप पूरा तरीके से ठीक करने की कोशिश कीजिए, एकदम हैप्पी और एकदम स्ट्रेस फ्री और एकदम बीमारी फ्री, सब कुछ फ्री रखिए, और दानापन इसका ठीक तरह से कीजिए, शायद ये ब्रीड करेंगे। और देखिए इसका ब्रीड करने का उम्र हुआ कि नहीं, ठीक है। आपके बर्ड जो होता है बजरी कॉकटेल, लव बर्ड, जावा, इसका उम्र कितना होता है ब्रीड करने के लिए, ठीक है, कितनी उम्र के बाद इसे ब्रीड लेना चाहिए, इसके बारे में मैं एक वीडियो कुछ देर बाद कुछ दिन बाद अपलोड कर दूंगा फुल डिटेल्स के साथ। तो पहले देखिए कि एज जो आपके बाट का एज है वो एज कितना है, ठीक है, एज उसका जो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं ये भी देखना पड़ता है, ये भी देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सवाल और सुझाव देना है तो कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाली आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।